अभी हम मौजूद हैं पवन सिंह के गांव जो कहरी में, देख पा रहे होंगे ये पीपल का पेड़ है जी, बर के पेड़ के पास में यहां पे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। जमीन खरीदा है पवन सिंह का 5 बीघा, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा 5 बीघा जमीन का बाउंड्री वगैरह भी हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसको बाउंड्री करने में। कुछ लोग यहाँ पे बातें करते हैं कि कैसा लगा जब जमीन खरीदाया, पवन सिंह का जमीन खरीदाया कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खूब खुशी है, बहुत खुशी है। खुशी है? हाँ सही में खुशी है कि? हाँ एकदम खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे गांव के हैं पवन सिंह, बहुत खुशी है। और भी लोग हैं इधर, देखिए चाचा भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पवन सिंह, 5 बीघा जमीन अभी जो बाउंड्री कराए हैं? बहुत अच्छा है, गांव का विकास है, गांव का विकास है। हाँ जैसे उनका है तो गांव ही का है ना। गांव के लिए कुछ किए हैं कि नहीं पवन सिंह अभी तक? तब गांव ही के लोग बताएगा, हम तो उस गांव का है। अच्छा बगल गांव के? हाँ। क्या कुछ किए हैं पवन सिंह गांव के लिए चाचा? कुछ नहीं किए हैं। देखिए बहुत, थोड़ा साइकिल हटा लीजिएगा। चाचा बुजुर्ग हैं और बचपन से ही देख रहे होंगे पवन सिंह को खेलते कूदते हुए। क्या कुछ गांव के लिए नहीं किए हैं अभी? अपने लिए 5 बीघा जमीन ले लिए। हाँ। उनका संपत्ति बात नहीं है ना। हमनी के काम का कोयले बड़े कुछ नहीं, कुछ नहीं। सड़क भी देखते हैं कि जो है पवन सिंह के गांव का सड़क भी जो है जर्जर हालत में बना हुआ है, ये भी नहीं बना है अभी तक। नहीं ना, ना कुछ नहीं। लेकिन हम यहाँ दिखाने के लिए कुछ और आए थे कि लोगों में कितनी खुशी है जमीन को लेकर के, लेकिन जब आता है इस जमीन पे, इस धरती पे जहाँ से पवन सिंह का जो है लड़कपन गुजर गया है खेलते कूदते, और पॉलिटिक्स में भी आने वाले हैं पवन सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो शायद सुधार हो जाए। हम का कहो, कुछ नहीं, अब कहे लायक हम बात। चलिए चाचा कुछ कहने लायक नहीं है, और लोग इधर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पवन सिंह जो है जमीन लिए हैं, खुशी है इस बात का? खुशी तो है क्योंकि हमारे गांव का है, ये बात जानकर हमें खुशी ही, बहुत सारा खुशी होता है कि मतलब विकास करते हैं, विकास है अपने लिए करे ये गांव के लिए, और हम मतलब पूरे गांव के लिए ही गाना सुनते हैं पवन सिंह का, उनका हम फैन है। फैन होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना खुशी है आपको इस चीज़ को लेकर? बहुत खुशी है, बहुत खुशी बा। हाँ गांव खाती, समाज खाती बहुत कुछ किए हैं। हाँ अभी तो चाचा बता रहे कि गांव के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, ब्रांड है वो, ब्रांड हर तरह से परिपूर्ण है गांव के लिए। हाँ। ठीक ना, गांव में मंदिर बनवा दिए। देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चे भाई, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि पवन सिंह 9 लाख का मंदिर बनवा दिए है यहाँ पे, वहाँ उस उत्तर साइड में। कल या परसों आए भी थे शायद मंदिर में ना, कौन है पता नहीं, कब आते हैं कब चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आज जमीन लिए हैं 5 बीघा वहाँ पे, उस बात का खुशी है आप लोगों को? हाँ हाँ खुशी है, एकदम खुशी है, हमारे गांव का है तो खुशी तरबे करेगा। देख पा रहे होंगे हम पवन सिंह के गांव जो कहरी में मौजूद है, यहाँ पे बड़ के पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग। जब पूरा ये क्षेत्र बाढ़ से घिर जाता है, जाने आने का साधन कुछ नहीं रहता है, कुछ लोग ऐसे, हम लोग भी गरीबी है, और वो कंबल उम्बल बांटते हैं, खाने पीने का सामान बांटते हैं, ऐसे लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में भी आने वाले हैं? पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। कितना आप लोग का योगदान रहेगा, सहमत कितना रहेगा? पूरा ये गाँव सहमत है, पूरा पूरा गाँव, पूरा वोट पवन सिंह। पवन सिंह यहीं से खड़ा होना है कि यूपी से खड़ा होने वाले हैं, कहाँ से पता है कुछ इसका? तो बारे में कुछ पता नहीं, आर से आर के सिंह के। देख सिंह तो खुद ही ग्राउंड पे इतना बढ़िया काम करते हैं, क्या लगता है कि पवन सिंह टक्कर दे पाएंगे उनको? देखिए अब कहाँ से मतलब होते हैं, अभी तो मालूम चला है कि आर से ही खड़ा होंगे, लेकिन अब देखिए भविष्य में क्या होता है, क्योंकि आर के सिंह का अगर काम गिनवाया जाए तो गिनवाते ना बने उंगली पे, इतना ज्यादा काम आरा के लिए, आप लोग भी पता होगा। पता है, सही है, पता है। पवन सिंह जो है कांटे की टक्कर होगी, देखते हैं कहां तक उनको सफलता मिल पाती है इस जगह से। क्या आप लोग का पूरा के लिए, पूरा हम लोग का फुल सपोर्ट है, पूरा क्षेत्र से, गांव से नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र से, हर होली में आते हैं तो पूरा घूमते हैं, पूरा जो भी मतलब बस्ती है पसवान टोला पूरा लेकर पूरा घरे घरे घूमते हैं सब जगह। हाँ हाँ एकदम, पूरा एकदम खुशी से, एकदम पूरा एकदम प्यार से। पवन सिंह का गाना कौन सा अच्छा लगता है आपको? गाना तो देखिए हम मतलब भोजपुरी सुनते बहुत कम है, लेकिन कोई भी गाना आता है तो अच्छा ही आता है। हाँ बहुत गाना आता है, सब लोग मतलब अच्छा ही गाना आता है, हाईलाइटेड ही होता है गाना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे भैया, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे थे भैया, क्या चीज बता रहे थे आप? आने के पवन सिंह बहुत काम किया हम लोग का गांव में। हाँ सड़क जमीन ले ले बड़ा तो बहुत खुशी के बात, अच्छा बात, अब एक बढ़िया क्या कहें।
लेकिन जब घर में कुछ करबे करी ऐसा बात नहीं है। इस बार जिताना है पवन सिंह। हाँ हमेशा उनका के तब तो वोट में मुखिया में खड़ा रहन तो सब गांव सपोर्ट दिल सब बाबू लोग ना दिल हम जन सब लोग सहयोग में दिल इसीलिए वो नहीं है यहाँ से हो पाया ना। इस बार क्या लगता है कि आर के सिंह के विपक्ष में खड़े होने वाले हैं पवन सिंह? तो खड़ा बना तो ठीक है बहुत बढ़िया बा हमने का सपोर्ट में बनी जा कबहू रह जा। हाँ क्या गाना गा रहे थे क्या को देखिए भाई भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं जो कि गाना गाएंगे पवन सिंह का। पवन सिंह हमारे गांव से बिलोंग करते हैं ये हमारे लिए गर्व की बात है और वो बहुत बहुत बड़ा स्टार हैं और इसलिए हमें गर्व की बात है और मैं उनका एक गाना गाना चाहता हूँ बराबर। शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघु जाई अखिया खोल बबुआ के कहब छोटका भाई अखिया खोल बबुआ। देखिए कितना ज्यादा ट्रेंड पे चला हुआ था ये गाना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और इतना ज्यादा मिलियन में व्यू गया था इस गाने का। और कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो रघुराई तो बहुत ज्यादा चला था इसके अलावा भी लोकगीत जिस टाइप का अभी चलता है ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता है और हम रोज सुनते हैं इसलिए आपको सुना दिए। और कोई गाना याद नहीं है? नहीं हम कोई सिंगर नहीं है बस सिंगर नहीं है लेकिन पवन सिंह के गांव से बिलोंग करते हैं इसलिए थोड़ा सा सिंगिंग जो है आ गया है आ जाता है ना कि पवन सिंह हमारे गांव के हैं। जो भी यूथ है सोचता है कि पवन सिंह के जैसा मुकाम हासिल करे कोई भी चाहेगा इसलिए कि जिस तरीके से अच्छा क्या लगता है कि पवन सिंह आगे हैं कि खेसारी लाल आगे हैं? ये सब हम लोग नहीं बता सकते। क्या पवन सिंह क्या लगता है कि पवन सिंह के बाद ही कोई है? पवन सिंह के बाद ही कोई है। क्या बोल रहे हैं भैया? पवन सिंह का गाना पूरा वर्ल्ड में बजता है। खेसारी लाल का? खेसारी लाल का तो नहीं नहीं बजता है। दूसर का स्थान पर है खेसारी लाल भैया ऐसा कोई बात नहीं है दूसरा स्थान। हाँ लेकिन पवन सिंह जो है ना पवन सिंह के नीचे ही कोई भी होगा व्यस्त होगा। जमीन उमीन पे घूमने गए कि नहीं जो बना है अभी यहाँ पे? नहीं अभी तो गए नहीं है देखे ऐसे बाकी वहाँ पर गए नहीं है। कल मैंने वीडियो चलाया भी था उसका जाकर के वहाँ ग्राउंड पे दिखाया भी था ज़्यादा लंबा नहीं हो पाया था वहाँ पे कुछ मजदूर लोग थे उनसे भी बातें हुई हमारी कि क्या प्रोजेक्ट है कहाँ क्या कुछ बनने वाला जो नहीं देखे जाकर के देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इन स्क्रीन पर भी चल रहा होगा देखिएगा जाकर के वहाँ पे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे पवन सिंह की कुछ ऐसी यादें या तो चचा लोग बताएंगे कि पवन सिंह का कुछ ऐसा आपके उम्र के ही पवन सिंह हमको लगता है कि होंगे क्या? अरे हमसे बहुत सीनियर बहुत सीनियर है पांचवा में थे तो हम दूसरा में थे। हाँ और क्या कहना है बचपना तो कुछ मतलब हम लोग का याद है ऐसे पतंग उतंग उड़ाते थे। पूरा यही बधार है ये पतंग उड़ाते थे लुटते थे। लोग यहाँ पे बैठते हैं पवन सिंह भैया के यहाँ बैठते होंगे? बैठते हैं जब भी आते हैं यहाँ पर बैठते हैं समय देते हैं गोरिया बाबा का स्थान है यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं गोरिया बाबा के और तभी यहाँ से मतलब पवन सिंह का जमीन जो खरीदा है 5 बीघा इस बात का खुशी है कि नहीं इस बात का ही पूछने के लिए हम आए हैं। मेरे गांव का है तो उसे अच्छा ना है मेरा गांव का नाम रोशन हुआ कि कोई मेरा गांव का नाम भी नहीं जानता था उसे मेरा गांव का नाम भी जाना जाना ना जी। क्या कह रहे हैं पावर एजे से शुरू होला यही गाँव से पवन सिंह तो मेरे ही गांव का है उनके चलते मेरा जरूर मुलाकात होती है मुलाकात होता है। कैसा उनका यहाँ पे आने के बाद व्यवहार रहता है गांव पे पहले जैसा ही है या फिर कुछ बदलाव हुआ है पहले से? ना बदलाव वो आते कहाँ है बहुत कम आते हैं आज वो किए तो परसों शायद आए हुए थे तो हम नहीं थे हम भी बाहर रहते हैं तो आते तो सर सलाम इतना ही होता है और ज्यादा टाइम कहाँ लगता है उनसे बात करने में लेकिन ठीक है जो भी है बढ़िया है बढ़िया। देख पा रहे थे हम लोग हैं अभी जो कहरी गांव में और यहाँ में तो रुक गए क्या कुछ कहना चाहेंगे पवन सिंह को कितना पसंद करते हैं विधानसभा सीट से? तो पावर स्टार है अब क्या कहना है इनको अब तो देश का एकदम सबसे भगवान है। गाना उना गाते हैं कि नहीं पवन सिंह का? पवन सिंह का जो गाना सुन लेगा तो दूसरा का गाना सुनेगा भी नहीं। कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पवन सिंह? हमको तो वही पल्सर पर बैठाइए और लेके घूमिए अपाची पर बहुत पुराना गाना है वो उड़ानिया वाली दो बोल हो जाए उस गाने का चलते चलते दो दो सब जगा दीजिए ना ना वो बात आप रुक करके आए हैं इसी चीज के लिए कि हम थोड़ा सा पवन सिंह का जो है चार छोला खा लिए उड़ानिया वाली चलिए रुके हुए थे इनसे बात भी हुई अच्छा लगा। पवन सिंह जमीन भी लिए हैं कैसा लग रहा है आपको 5 बीघा जमीन लिए हैं? हाँ लिए हैं इसी पर्पस को लेकर के हम आज गांव में आए हुए हैं
आधा आपका भी उसमें? ना ना ना, पवन सिंह का तो मैं एकदम मैंने जिगरी में दोस्त है उनका। अच्छा, ये क्या लगता है कि सरप्राइज है सब लोगों के लिए कि पवन सिंह खेसारी लाल मकान बना रहे थे, प्रमोद प्रेमी बगल में ही यहाँ पे बांध के नीचे बना रहे हैं। पवन सिंह का मकान तो देखिएगा, लेकिन उन सबसे हट के पवन सिंह जो है उससे भी बड़ा एरिया एक्वायर कर लिए है बनाने के लिए। बहुत 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 चल जाके कुल्हड़िया देखिएगा जो टोल पस गया कितना दूर में आता है। ये साबित कर दिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कि पावर एजे से शुरू होला, पावर एजे से शुरू होला। पवन सिंह यही इंतजार कर रहे थे सब लोग का बनेगा, उसके बाद शुरू करेंगे, हम दिखाएंगे कि मैं कितना बड़ा बना रहा हूँ, इसी का इंतजार था। पवन सिंह एकदम और आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा लो कोई उसका रुकेगा नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जब वो इलेक्शन में आएंगे इधर, मतलब पॉलिटिक्स में जब आ जाएंगे तो गायकी छोड़ देंगे, सही बात है क्या? अब तो गायकी का गायकी नहीं छोड़ेंगे, गायकी तो उनका गायकी तो करना है। देखिए, सुनने में आ रहा था कि गायकी छोड़ देंगे। नहीं नहीं, सरस्वती जी का बात है, जब तक जिएगा तब तक लगाएगा। हाँ, सब सब उसके साथ गायकी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, उसके साथ भोले बाबा है, सरस्वती जी है। बहुत बढ़िया है, देख रहे थे अभी हम लोग, दिखा रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कहरी गांव से, पवन सिंह के पैतृक गांव से। आई होप आप लोगों को हमारा जो वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा है तो लगातार शेयर करिए। आप लोगों ने कल देखा पवन सिंह का जो जमीन खरीदा है 5 बीघा का, उसका बाउंड्री हुआ है, जिसको बाउंड्री कराने में 1 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है। वहाँ के मजदूर से भी बात हुई कि 50 करोड़ उसको बनाने में भी खर्च होगा, जो भी फार्म हाउस बनेगा। और गलती से वहाँ पे एक मजदूर जो थे वो बता दिए थे फार्म हाउस, हमने बताया था पावर हाउस, वो बोला कि पावर हाउस, लेकिन तो सुनने में मिस्टेक हो गया था, पावर हाउस नहीं फार्म हाउस वहाँ पे बनेगा, ऐसा वहाँ पे बताया गया था जब रजिस्ट्री किए करने से। जमीन लिया इलाका खुशी में एगो मिठाई एगो चॉकलेट, या देखिए ये देखिए जमीन खुशी में। एक मिनट थोड़ा सा जिक्र कर ले। देखिए, पवन सिंह के गाँव में हम है, बढ़ के नीचे है, पवन खेसारी लाल के ससुरार में भी हम पहुंचे थे, 2.5 करोड़ की जब गाड़ी खरीदाई थी वहाँ पे 2 किलो मिठाई मिला था हमको, लेकिन यहाँ पे जो है आदमी है जब भाई उतने हम नहीं खाते, लेकिन ठीक है, प्यार मोहब्बत जो है पैसे और इससे। देखिए, बिस्कुट मिला पवन सिंह के, कैमरा मैन के दे दा एक, ओके ले लीजिए जी आप भी। ये देखिए, प्यार मोहब्बत है, हम लोग जब चलते हैं कहीं पर भी तो इस तरीके का प्यार मोहब्बत। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।